दिशा कौन है? उनके बूंदे बूंदे नथ वथ सब तो लोग। सर क्या हुआ था आपके साथ, किसने हमला किया? आज लगभग 10:30 बजे मैं अपने मकान से कार से जाने को था बैंक, तो मैं गाड़ी अपनी कार बाहर निकाल रहा था, कार बाहर निकाल के मैं उसको आगे बढ़ा के मोड़ना चाह रहा था। इतने में नकटिया के तरफ से, गेट की तरफ से एक मोटर बाइक आई और उसमें जो है दो लोग थे, मोटरसाइकिल वो हनी चला रहा था और पीछे मौलाना का लड़का बैठा था, और वो एकदम से गाड़ी आगे घुसोड़ने लगे और मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा था, उसी तरफ ये गाड़ी आगे इन्होंने डाल दी, तो मुझे इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ा, अगर नहीं लेता तो एक्सीडेंट हो जाता। वो रुक गए, उन्होंने कहा आपने गाड़ी क्यों बढ़ाई? मैंने कहा बेटा मैं तो गाड़ी मोड़ रहा हूँ पहले से ही, तुम्हें देखना चाहिए था। और हमेशा याद रखो, जिधर गाड़ी बढ़ रही होती है उधर से कभी भी गाड़ी निकालनी नहीं चाहिए, पीछे गैप हो रहा है तो पीछे निकाल लेते। इतने में वो उतर आया, मैं भी उतरा, मैंने कहा बेटा तुमको समझाने की बात कर रहे हैं, तुम कॉलोनी में रह रहे हो। एवं उसने मुझे धक्का दे दिया, मैं जब तक संभल के खड़ा हुआ उसके हाथ में कड़ा था, उसने 3-4 कड़ा मार दिया सिर पर, उसकी वजह से ये ब्लीडिंग हुई। और इसी बीच जो है बहस होती रही और उसकी उसने अपने फ़ोन कर दिया किसी को, दो तीन लड़के आ गए, उसकी माँ आ गई, बहन आ गई, तो करीब 6 लोग थे। उसके बाद ये लोग जब तक हम पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस बाद में आई भी जो मुझे पता लगा, तब तक ये लोग भाग गए। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ CRD से रिटायर हुआ। किस तक पढ़े हैं? मैं डिप्टी SP था। ऐसा है, ये अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, एम्बेसडर गाड़ी, तो क्योंकि सड़क थोड़ी पतली है तो वो दो बार में कटती है गाड़ी, तो ये लड़का जो हनी है ये एकदम बहुत ही स्पीड से मोटरसाइकिल लेके आ रहा था और आगे आ गया, तो इनको इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ा। तो उसमें इन्होंने उसको समझाया कि बेटा अभी तेज लग जाती गाड़ी, चोट लग जाती, तो उस पर कुछ कहा सुनी होने लगी, तो वो उतरा, उतर के ये भी नीचे उतरे, तो उसने इनको धक्का दे दिया तो ये गिर गए। जाहिर बात रिटायर्ड आदमी है, अब वो 20-22 साल का लड़का है, दो लड़के थे उस टाइम, वो तो वो उसी बीच में उसने टेलीफोन कर दिया था जब उत...